हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज हम आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम लाविडा है। तो इस नाम में क्या खास है पहले हम वो बता देते हैं, फिर बाद में प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। लाविडा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द लाइफ। हिंदी में कहें तो इसका अर्थ है जीवन। तो जीवन है प्रोजेक्ट का नाम, इंग्लिश में कहें द लाइफ है, और इसका एक्चुअल जो नेम स्पेनिश वर्ड जो लिया गया लाविडा है। क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, कहां पर ये स्थित है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से एक 60 मीटर रोड आ रहा है, 900 मीटर की दूरी पे है, और इसके ऑपोजिट साइड टाटा का दूसरा प्रोजेक्ट टाटा गेटवे है। ये प्रोजेक्ट 12 एकड़ में बना हुआ है, 8 इसमें टावर टोटल आएंगे, 5 आ चुके हैं। छठवां टावर इसमें जो है वो लॉन्च होने वाला है, अगले एक महीने में वो लॉन्च हो जाएगा। 50 के करीब उसमें यूनिट होंगी, 2 BHK 3 BHK उसमें आपको मिलेंगे अलग अलग साइज के। अभी की मैं बात करूं, अभी इनके पास 2 BHK के दो साइज हैं, 2 BHK स्मॉल, 2 BHK लार्ज। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इनका तीसरा टावर आएगा, उसमें आपको 2 BHK 3 BHK का ऑप्शन मिलेगा, और उसके 2 महीने के बाद इनके जो दूसरे टावर आएंगे उसका रेरा आने वाला है। इनके अपकमिंग जो टावर्स हैं उसमें आपको 2 BHK 3 BHK और 4 BHK का भी ऑप्शन मिलेगा। टोटल आने वाले दिनों में यहाँ पर 300 के करीब अपार्टमेंट होंगे। तो अगर आप 2 BHK अभी लेना चाहते हैं तो मैं अंदर चल के आपको पहले प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, इसकी फैसिलिटीज दिखाऊंगा, इसका क्लब हाउस दिखाऊंगा, उसके बाद आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आप 3 BHK 4 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1-2 महीने बाद वो लॉन्च हो जाएंगी वो यूनिट्स, तब आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा जो स्क्रीन पे नंबर है वो अभी से नोट करके रख सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास लाविडा टाटा का जो प्रोजेक्ट है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर पड़ती है वो मैं आपको गूगल मैप के जरिए एक बार समझा देता हूँ क्विकली, फिर उसके बाद मैं और इसके बारे में कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपने गूगल मैप पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख ली है, अब मैं इसके बारे में और कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुआ था, पोजीशन इसका 2021 से देना शुरू किया है। 100 फ्लैट्स का पोजीशन ये दे चुके हैं, 40 फैमिली ऑलरेडी आके यहाँ पे रह रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बाकी इनके अपकमिंग जो फ्लैट्स हैं वो आने वाले कुछ दिन में आएंगे। इसके आसपास क्या है वो मैं आपको थोड़ा फटाफट बता देता हूँ, और हाँ, आपकी जो शिकायत रहती है कि प्राइस क्या होगा, वो प्राइस मैं आपको यहीं पे डिस्क्लोज कर दूंगा, आपको लास्ट तक वेट नहीं कराऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, द्वारका के 113 सेक्टर में है, फर्स्ट रेजिडेंशियल सेक्टर है। इसके आसपास क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या चीजें, वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे चल के मैं आपको एक मॉल भी दिखाऊंगा जो इसके बिल्कुल साथ है, वो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले मैं इसके आसपास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं वो आपको दिखा देते हैं। स्कूल हॉस्पिटल क्या क्या है वो आपको फटाफट बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके पास आपको कोलंबिया हॉस्पिटल मिलेगा, मणिपाल हॉस्पिटल मिलेगा, आकाश हेल्थ केयर मिलेगा। स्कूल की बात करें, DPS स्कूल आपको, IP यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, IT यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, माउंट कैरमल स्कूल यहाँ पर है, वेंकटेश्वर स्कूल इसके पास में है। लैंडमार्क की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, द्वारका का सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन भी कुछ ही दूरी पे है, ताज विवांता भी कुछ ही दूरी पर है, ITC का वेलकम होटल भी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो द्वारका में बन रहा है दिल्ली की साइड, वो भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम शॉपिंग मॉल की बात करें तो विकास मॉल आ रहा है यहाँ पर, अंसल प्लाजा मॉल है, एम्बियंस मॉल इसके आसपास है। जो यूनिट अभी अवेलेबल है 2 BHK स्मॉल, 2 BHK लार्ज, उसके प्राइस मैं आपको बताऊंगा, और एक महीने बाद और उसके कुछ टाइम बाद जो बाकी की यूनिट्स होंगी 2 BHK 3 BHK 4 BHK जब वो लॉन्च होंगी उसके प्राइस में अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो अभी लॉन्च नहीं हुए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं, उस नंबर को नोट कर ले, जब वो यूनिट लॉन्च होंगी टच में रहे हमसे, हम आपको उसका प्राइस भी शेयर कर देंगे और वो कब लॉन्च हो रही है लॉन्च डेट भी आपको बता देंगे। फिलहाल मैं आपको 2 BHK और 3 BHK का जो प्राइस है वो बता देता हूँ। 2 BHK स्मॉल है, उसका प्राइस 1.24 CR है, और जो 2 BHK लार्ज है उसका जो प्राइस है 1.3 CR है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके चलता हूँ, और आज मैं आपको कोई सैंपल फ्लैट नहीं दिखाऊंगा, जो एक्चुअल फ्लैट बायर को दिया जाता है मैं उसका टूर कराऊंगा, और इनकी जो फैसिलिटीज है, पूरा प्रोजेक्ट क्या है, उसके बारे में आपको साथ के साथ जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम अंदर चलते हैं, फिर आगे की चीजें हैं इस प्रोजेक्ट की वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। मैं लाविडा जो प्रोजेक्ट है टाटा का, उसका 2 BHK का आपको एक फ्लैट दिखाऊंगा। ये जो फ्लैट आपको मिलेगा, कैसा एक फ्लैट कस्टमर को दिया जाता है, मैं वो फ्लैट दिखाऊंगा। आज मैं सैंपल फ्लैट नहीं दिखाऊंगा, सैंपल फ्लैट से क्लैरिटी नहीं आती, पता नहीं लगता कि फ्लैट कितना बड़ा है, क्योंकि उसमें इतना सामान उसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया जाता है कि जो एक्चुअल फ्लैट जो कस्टमर को मिलता है, जो बायर को मिलता है, वो उसको पता ही नहीं लगता। तो मैंने इसलिए आज एक कंप्लीट फ्लैट लिया है, रेडी टू मूव इन फ्लैट आपको किस कंडीशन में मिलेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ।
टाटा का ये 2 BHK का फ्लैट है, 1276 स्क्वायर फीट इसका साइज है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, पार्क फेसिंग यूनिट है, मैं आपको ये रेडी टू मूव इन फ्लैट दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको ये दिखाई देगा, ये स्पेस दिखाई देगा, ये आपका डाइनिंग का लिविंग रूम हो जाएगा, यहाँ आपके सोफा सेट्स वगैरह आ जाएंगे, यहाँ आपका डाइनिंग टेबल आ सकता है, ये वो लिविंग एरिया लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। जब आप सैंपल फ्लैट में देखते हैं तो पूरा सजा धजा रहता है, डाइनिंग टेबल रखी रहती है, सोफा सेट रखे रहते हैं, बट ये रेडी टू मूव इन एक फ्लैट है, बिल्कुल रेडी है, जो आपको मिल जो एक बायर को दिया जाता है उसमें कोई सामान किसी तरह का नहीं होता, इस प्रोजेक्ट में नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने आपको दिखेगा पार्क फेसिंग, ये आपको दिखेगा, ये आपको बालकनी मिलेगी, इसमें पार्क फेसिंग बालकनी है, बालकनी ठीक ठाक है स्पेस, ये देखिए, और सामने पार्क है, आप देख सकते हैं सुबह सुबह पार्क का मजा ले सकते हैं। और आपके इस बालकनी से अगर आप ये यूनिट लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ से स्विमिंग पूल भी दिखेगा, ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको स्विमिंग पूल भी दिख जाएगा। ये क्लब एरिया है, क्लब हाउस है, ये यहाँ से इस यूनिट से आप क्लब हाउस भी देख सकते हैं, सामने पार्क फेसिंग यूनिट है, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर आपको बेडरूम का क्या साइज होगा, पूरा लेआउट प्लान क्या होगा, उसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप पे वो डिटेल मांग सकते हैं, मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आपको जो लेआउट प्लान है वो सारा मिल जाएगा। एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं वो पहले आपको दिखाना चाहूँगा, इस फ्लैट में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको किचन मिलेगा, ये देखिए ये किचन आपको एक रेडी टू मूव इन में इस तरह का किचन आपको दिया जाता है, आप देख सकते हैं स्पेस ठीक ठाक है, ये सिंक हो गया, ये लगा हुआ मिलेगा, ये यूटिलिटी एरिया है, इसको छोटी बालकनी भी कह सकते हैं हम, इसको यूटिलिटी एरिया भी कह सकते हैं, ये यूटिलिटी एरिया है यहाँ पर, और ये आपको किचन मिलेगा, किचन आपको इसी तरह का मिलेगा, इसमें कोई चिमनी और दूसरे तरीके की कोई चीज़ नहीं होगी, ये देख लीजिए। किचन से एग्जिट करते ही लिविंग कम डाइनिंग एरिया, मैं इसके जो बेडरूम जो इसके रूम्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लिविंग एरिया से आएंगे आपको एक पहला रूम मिलेगा, ये देखिए ये एक रूम है, इसका जो साइज़ है लेआउट प्लान है वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि रूम ये ब्लैंक है तो मेरी जो वॉइस है वो इको कर रही होगी, तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस के साथ बियर करें। ये मैं आपको एक रूम दिखा रहा हूँ, इसमें कोई बालकनी नहीं है दोस्तों, इस रूम के साथ कोई बालकनी नहीं है, बट ये ग्लास का डोर बनाया हुआ है, विंडोज दी है, ये एक इनका रूम हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, ये एक कॉमन वॉशरूम है इसके साथ, ये देखिए ये कॉमन वॉशरूम है, ये इस तरह का वॉशरूम मिलेगा, थोड़ा काम चल रहा है इसमें बंद है, आगे आइए दोस्तों। ये आपको सेकंड रूम है, जैसा आपको मैंने बताया था ये 2 BHK 1276 स्क्वायर फीट का इसका साइज है, इसमें भी आपको एक बालकनी दी जाएगी, और ये बालकनी भी पार्क फेसिंग है, ये देखिए ये बालकनी भी पार्क फेसिंग है, आप आराम से यहाँ पे खड़े होके पार्क को देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, ग्रीनरी का इंजॉय कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ और पेड़ लगाएंगे, इनकी प्लानिंग है काफ़ी इसको ग्रीन करने की, ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू दिखेगा आपको, ये स्पोर्ट्स एरिया है, पार्क एरिया है, और मैंने आपको दिखाया था इसी फ्लैट से आपको स्विमिंग पूल भी दिख जाता है। अंदर आ जाइए, मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 BHK जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 BHK 1276 का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साथ में एक वॉशरूम मिलेगा, ये देखिए वॉशरूम का एरिया ये रहा, उससे पहले एक थोड़ा खाली स्पेस आपको मिलेगा वॉशरूम में जाने के लिए, ये आपको यहाँ पे वॉशरूम में ये यूटिलिटी ये सारा सामान लगा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं, ये आपको वॉश मशीन दिया जाएगा, ये आपको कमोड दिया जाएगा, ये आपको ये नहाने के लिए शावर वगैरह है ये दिया गया है, लाइट्स है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो 2 BHK के रेडी टू मूव फ्लैट्स किस तरह का होता है मैंने वो आपको दिखाने के लिए कोशिश करी है। आज मैं चाहता था कि आपको एक रेडी टू मूव इन दिखाऊँ सैंपल फ्लैट की जगह। सैंपल फ्लैट से जैसा कि मैंने बताया एक क्लैरिटी नहीं आती है एक्चुअल वायर को कि उसको किस तरह का फ्लैट मिलेगा। इनके पास 2 BHK 3 BHK के जो अलग अलग साइज़ हैं उसका मैंने एक साइज़ आपको बता दिया, और बता देता हूँ इनके पास अब फिलहाल इनके पास 2 BHK के 2 साइज की यूनिट्स बची हुई हैं, बाकी सारा इनका सोल्ड आउट है, बट 1 महीने के बाद इनके पास 3 BHK यूनिट्स आ जाएंगी। अगर आप 3 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, 1 महीने में इनके पास 3 BHK अवेलेबल होंगे, तो आप उसको आके देख सकते हैं। और उसके कुछ टाइम के बाद दोस्तों इनके पास 2 BHK 3 BHK और 4 BHK वो भी यूनिट्स आने वाली हैं। इनके 2 टावर आ रहे हैं, वो काफ़ी बड़े टावर हैं, इनके पास टोटल 300 के करीब फ्लैट्स आ रहे हैं, बट अभी रेडी टू मूव इन इनके पास 2 BHK के 2 ही साइज़ हैं,
एक साइज मैंने आपको दिखा दिया है, अब फोर्थ फ्लोर पे मैं आपको लेके चलूंगा, एक वहां दिखाऊंगा एक साइज आपको, फिर मैं आपको एक सेवन फ्लोर पर लेके चलूंगा, वहां आपको 3 BHK का साइज दिखाऊंगा। फ्यूचर में जैसा कि मैंने आपको बताया, आने वाले दिनों में इनका 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सारे साइजेस होंगे। वो किस किस साइज के फ्लैट अभी इनके पास है और आने वाले टाइम में कौन कौन से फ्लैट्स होंगे, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको जो फ्लैट का साइज है वो दिख रहा होगा। ये जो फ्लैट्स है वो आने वाले टाइम में इनके पास होंगे, और जो 2 BHK के जो इनके पास अभी रेडी टू मूव इन है वो आपको अलग से दिख रहे होंगे, जिनको आप अभी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ फोर्थ फ्लोर पे, एक 2 BHK का इससे बड़ा साइज है वो आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको सेवन्थ फ्लोर पे लेके चलूंगा। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, 2 BHK इनका स्मॉल था, ये 2 BHK लार्ज है, ये 1330 स्क्वायर फीट का है। फोर्थ फ्लोर पर रेडी टू मूव इन फ्लैट है, सैंपल फ्लैट नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको रेडी टू मूव इन दिखाऊंगा। आइए मैं फटाफट आपको इसका टूर करा देता हूँ, मेरे साथ आ जाइए आप। जैसे आप एंट्री करेंगे, ये देखिए, क्योंकि उससे साइज बड़ा है तो आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया काफी बड़ा दिखेगा इससे। ये देखिए, इससे काफी बड़ा है, जिससे पहले फ्लैट दिखाया था उससे काफी बड़ा एरिया आपको दिखेगा। साथ में जैसे उसमें किचन था, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, किचन है, किचन आपको स्पेसियस दिखेगा। ये देखिए, पहले वाले से किचन थोड़ा बड़ा है, काफी खुला है, तो मुझे लगता है कि 2 BHK लार्ज आप देख रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। बालकनी है, जैसा कि उसके साथ बालकनी थी, इसमें भी बालकनी है, बट ये पार्क फेसिंग नहीं है। बट मैं इसके साथ आपको कुछ अलग चीज, कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, इस बालकनी से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है, ये MR का मॉल है जो आने वाले टाइम में तैयार होने वाला है, और कुछ ही महीनों में ये मॉल तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे फ्लैट लेते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो आपके लिए एक शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए घर के पास में ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये मॉल है जो आप अपनी बालकनी से देख रहे हैं, ये आपको आने वाले टाइम में रेडी टू मूव इन मिलेगा और ये तैयार हो जाएगा। और इसके चारों तरफ देखिए, काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है, हरा भरा है काफ़ी। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे वैसे भी कम ग्रीनरी देखने को मिलती है, कंक्रीट की बिल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, बट यहाँ आसपास थोड़ी ग्रीनरी अभी बची हुई है। फटाफट इसका टूर कर लेते हैं, आ जाइए दोस्तों। जैसे ही हमने एंट्री करी, बालकनी आया, डाइनिंग कम लिविंग रूम आया, फटाफट आइए दोस्तों। ये देखिए, इसका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, ये इसमें भी बालकनी नहीं है, इसके साथ ये कॉमन, ये कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे साथ आएंगे, मैं दिखा देता हूँ दूसरा आपको। ये एक और वॉशरूम है, ये जो सेकंड रूम है इनका, मास्टर रूम है, इसके साथ ये वॉशरूम अटैच है। ये देखिए, इसके साथ बालकनी दी है, ये साइज देख सकते हैं आप, इतना बड़ा साइज है ये इस बेडरूम का, 1330 स्क्वायर फीट का, जैसा कि मैंने बताया 2 BHK लार्ज है ये। और इसके साथ ये बालकनी दी हुई है, ये देखिए, आप यहाँ से आकर ये मॉल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखिए, ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये 2 BHK लार्ज साइज मैंने आपको दिखाया, इससे पहले स्मॉल साइज दिखाया था। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 3 BHK का एक साइज दिखाता हूँ। 3 BHK अभी अवेलेबल नहीं है, एक महीने के बाद अवेलेबल होंगे 3 BHK, 4 BHK, और जो वो फ्लैट आएंगे उनकी डिलीवरी, उनका पोजीशन एक साल के बाद आ जाएगा। तो मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ 3 BHK दिखा देता हूँ। जो मैं 3 BHK आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसका साइज 1779 स्क्वायर फीट है। आइए दोस्तों, दोस्तों ये 3 BHK 1779 स्क्वायर फीट का जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्लैट, रेडी टू मूव इन है। फिलहाल इसकी यूनिट्स नहीं है, बट आने वाले टाइम में आपको इसकी इन्वेंट्री मिल जाएंगी, एक महीने बाद ही आपको इसकी इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप 3 BHK में इंटरेस्टेड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक महीने बाद आपको ये यूनिट आराम से मिल जाएंगी, और आने वाले टाइम में उसके एक दो महीने बाद आपको 4 BHK की भी यूनिट्स अवेलेबल हो जाएंगी। मैं 3 BHK का 1779 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है उसका आपको फटाफट से टूर करा देता हूँ, आजिए मेरे साथ। जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे, इनका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो ऑलमोस्ट सेम है, लिविंग कम डाइनिंग एरिया। ये देखिए, ये एरिया है, साथ में बालकनी है, मैं पार्किंग कह रहा था, और इसकी बालकनी काफ़ी बड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इसकी बालकनी काफ़ी बड़ी है, साइज़ काफ़ी बड़ा है बालकनी का, तो आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे आपको स्पोर्ट्स एरिया यहाँ से दिख जाएगा अपनी बालकनी में, स्पोर्ट्स का यहाँ पर एक्टिविटीज़ का एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, ये दिख जाएगा। उधर दूसरे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो हम बाद में देख लेंगे, आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ लिविंग कम डाइनिंग एरिया। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ये 3 BHK, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1779 स्क्वायर फीट इसका साइज है। आइए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वॉशरूम मिलेगा आपको, वॉशरूम इस तरह का होगा, सिंक मिलेगा, कमोड मिलेगा, ये सारे साइजेस होंगे, ये देख लीजिए। इसके बाद ये फर्स्ट बेडरूम आएगा, बेडरूम के साथ ये बालकनी अटैच है इसमें, ये देखिए वो, ये कॉमन बालकनी है जो आपने उधर लिविंग एरिया की देखी थी, और उसकी फर्स्ट बेडरूम की बालकनी एक साथ अटैच है। जल्दी जल्दी से दिखाते हैं, ये सेकंड बेडरूम है, आप देख लीजिए सेकंड बेडरूम है, ये यहाँ पे विंडोज दी गई हैं, इसमें बालकनी नहीं मिलेगी। ये थे, ये देखिए, ये इसका जो थर्ड बेडरूम है उसका वॉशरूम है, आपने देख लिया जो, और ये इसके साथ भी बालकनी दी गई है। ये देखिए,
ये 3 BHK 2 वॉशरूम वाला फ्लैट था, रेडी टू मूव इन है, टाटा लाबिडा का है। मैं आपको अब तक इसके 3 साइज दिखा चुका हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1330 स्क्वायर फीट लार्ज 2 BHK, और इसका जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो 3 BHK 1779 स्क्वायर फीट है। तो मैंने आपको 3 सैंपल दिखा दिए यहाँ पर रेडी टू मूव इन के। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, 4 BHK भी आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा, और 2 BHK स्मॉल साइज, 2 BHK लार्ज साइज, इनके पास अभी इन्वेंट्री अवेलेबल है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको रेडी टू मूव बहुत कम मिलेंगे। रेडी टू मूव इन अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख रहे थे तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगा प्रोजेक्ट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसमें हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप टाटा लाबिडा में हैं और आपका ये फ्लैट है फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, और अब आपको अपने क्लब हाउस में जाना है, तो आपको अपने फ्लैट से बाहर जाके क्लब हाउस में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने फ्लैट से गैलरी से होते हुए एक अलग से रास्ता दिया गया है क्लब हाउस में जाते हुए। आइए मैं आपको क्लब हाउस दिखा देता हूँ, इस बहाने आप क्लब हाउस भी देख लेंगे और फ्लैट तो मैं आपको यहाँ के जो रेडी टू मूव इन फ्लैट है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको क्लब हाउस दिखा देता हूँ, आज ही मेरे साथ। ये देखिए, जैसे ही आप आएंगे आपको ये पार्क दिखेगा सामने की तरफ, ये छोटा सा लॉन है, और इसके आगे की तरफ आप देखेंगे ये इस प्रोजेक्ट का पार्क है, काफी ब्यूटीफुल बना है, लैंडस्केपिंग कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये पार्क है, पेड़ अभी लगे हैं, आने वाले टाइम में पेड़ बड़े हो जाएंगे काफी। और ये आप प्रोजेक्ट देखिए, आप देख ही चुके हैं बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, कुछ रेडी टू मूव इन में कुछ तैयार है, ये बिल्डिंग्स काम चल रहा है। और अब मैं आपको क्लब हाउस की तरफ लेके चलता हूँ, आज ये क्लब हाउस चलते हैं, वहां देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है। आइए, क्लब हाउस के लिए जा रहे हैं, और यहाँ सबसे पहले स्विमिंग पूल पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्विमिंग पूल, और जो क्लब हाउस में दूसरी फैसिलिटीज है। आ जाइए, ये लेडीज स्पा है इस तरफ, ये देखिए ये स्विमिंग पूल है, वो किड्स के लिए है। आज ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल देख सकते हैं, ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस में स्विमिंग पूल है, और जो आगे की तरफ आप देख रहे हैं वो किड्स के लिए है, वो किड्स का स्विमिंग पूल है। आज ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किड्स के लिए स्विमिंग पूल है, ये एडल्ट के लिए है, ये देखिए, और ये आगे और काफ़ी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें और क्या क्या है क्लब हाउस में। आज ये जिम है, आपके घर में कोई मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो उस पर भी यहाँ पर व्यवस्था है, उसके लिए इन्होंने एक कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ है, वो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ ये कम्युनिटी हॉल किस तरह का। आज ये देखिए, यहाँ पर आप पार्टी कर सकते हैं, आपके यहाँ कोई शादी है का फंक्शन है या कुछ है, आपके गेस्ट आए हुए हैं उनके साथ आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं, आपके बच्चे की किसी की बर्थडे पार्टी है या आपको किटी पार्टी कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कि ये हॉल बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है, 30-30 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। इसके अपोजिट साइड देखेंगे स्विमिंग पूल है, इसके दूसरी साइड देखेंगे पार्क का एरिया है, और उसकी दूसरी तरफ टावर बन रहे हैं, आने वाले अपकमिंग जो टावर है, जो इनके 2 BHK 3 BHK 4 BHK अपकमिंग टावर है जो आने वाले महीनों में आएंगे, और जिनका पोजीशन 1 साल के अंदर दे दिया जाएगा वो टावर्स है। अभी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 2 BHK स्मॉल, 2 BHK लार्ज इनके पास अवेलेबल है, 1 महीने के बाद 2 BHK 3 BHK मिलेंगे, और कुछ उसके कुछ टाइम के बाद 4 BHK भी आपको मिल जाएगा, जिसका जो पोजीशन है 1 साल के अंदर मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, द्वारका एक्सप्रेस वे पे रेडी टू मूव इन कहीं भी नहीं है, कहीं एक छुटकू कोई प्रोजेक्ट होगा, अगर आप रेडी टू मूव इन कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं तो टाटा लाबिडा आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आइए, मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 113 में लाबिडा टाटा का जो प्रोजेक्ट है उसका रेस्टोरेंट के अंदर हूँ, क्लब हाउस जिनका है उसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, 32 लोगों के यहाँ पे बैठने की कैपेसिटी है, और आपको थोड़ा सा मैं व्यू दिखा देता हूँ किस तरह का रेस्टोरेंट है। आपको जैसे नॉर्मल मार्केट में रेस्टोरेंट होते हैं, जो किसी आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे बिल्कुल उसी तरह का रेस्टोरेंट है। अगर आपको कोई गेस्ट आता है या आपके किसी फैमिली के मेंबर को कहीं बाहर कुछ खाने जाना है तो मुझे नहीं लगता उसको कहीं शॉपिंग मॉल या कहीं बाहर आउटिंग करने की जरूरत है, जब आपको आपके क्लब हाउस में एक अच्छा रेस्टोरेंट इस तरह का मिल सकता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, आइए। मैं टाटा लाबिडा का जो क्लब हाउस है उसके मेन एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो क्लब हाउस दिखाया था, जो दूसरी चीज़ें दिखाई थी, मैं आपको शॉर्टकट ले आया था, बट जो इसका मेन एंट्रेंस है वो ये है। मेरे राइट साइड आप देखेंगे एक डोर है, एक दरवाज़ा है, यहाँ से एंट्री होगी इस क्लब हाउस की। जब आप एंट्री करेंगे तो ये कुछ सिटिंग एरिया आपको दिखेगा, अगर आपका खाली बैठने का मन है या आप जिम करने आएं उससे पहले बैठना चाहते हैं या जिम करने के बाद आप उसके बाद बैठना चाहते हैं थोड़ी देर, तो यहाँ बैठ सकते हैं। पूरा एयर कंडीशन है ये एरिया, आप यहाँ बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम जा सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको जिम दिखा देता हूँ।
आइए मैं आपको इसका जिम दिखा देता हूँ। ये इसका जिमनेजियम है, काफ़ी कूल है। ये देखिए इक्विपमेंट्स हैं। मैं जिम पहले जाता था, अब नहीं जाता। आपको मेरा मध्य प्रदेश थोड़ा निकला हुआ दिख रहा होगा, इस वजह से है मैंने जिम जाना बंद कर दिया है। बट मैं जल्दी शुरू करूँगा, तो मैं बहुत ज़्यादा भी इसके बारे में डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, बट मैं इसको आपका टूर करा देता हूँ। आ जाइए मेरे साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो अब एयर कंडीशन जिम में आया हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत उमस है, आप देख भी रहे होंगे मेरे कपड़े तक भीग गए हैं। तो बट मैंने सोचा कि आपको जब दिखाएं तो पूरा कंप्लीट दिखाएं, सिर्फ एक अपार्टमेंट दिखा के किसी प्रोजेक्ट का आपको वो फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते। हम दिखाना चाहते हैं कि एक एक चीज़ आपको दिखाएं, ताकि आप घर बैठ के अपना पूरा उस प्रोजेक्ट का आराम से आनंद उठा सकें, उसका व्यू कर सकें। उसके बाद अगर आप विजिट करने आए तो आप अच्छे से विजिट कर सकें और इस प्रॉपर्टी को जिसको आप खरीदना चाहते हैं उसको समझ सकें। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, सिर्फ एक घर खरीदना ही काफ़ी नहीं होता। घर खरीदने के बाद जो सर्विस होती है उसके बाद की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर सिर्फ सेल्स पे जोर देते हैं लोग आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा किसी भी बिल्डर का, अगर वो एक्सपीरियंस बिल्डर है, पुराना बिल्डर है, तो उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊं। उसने जो डिलीवर किया है प्रोजेक्ट, वहाँ पर आफ्टर सेल्स क्या सर्विस है, मेंटेनेंस किस तरह से है, बाकी बिजली पानी की सर्विस किस तरह की दी जा रही है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ताकि फ्यूचर में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो पास्ट का आपके पास एक्सपीरियंस हो कि पास्ट में उस बिल्डर ने जो डिलीवरी दी है, जो प्रोजेक्ट डिलीवर करें हैं, उसमें वो कैसी सर्विस दे रहा है। तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर टाटा का जो मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, टाटा एक ट्रस्ट का नाम है, टाटा एक भरोसे का नाम है। आपके साथ जो प्रॉमिस किया जाएगा उसको डिलीवर किया जाएगा। आपके साथ जो मेंटेनेंस या आफ्टर सेल्स या जो सर्विसेज की जो बात की जाएगी, जो चार्जेस की बात की जाएगी, कोई हिडन चार्जेस यहाँ नहीं मिलेगा। आपसे जो प्रॉमिस किया जाएगा वो डिलीवर किया जाएगा। मैं पास्ट में भी इनके और प्रोजेक्ट कवर कर चुका हूँ, तो उस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे यहाँ पर किसी तरह की कोई चालाकी नहीं की जाएगी। आप जब ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं टाटा की, तो आप साथ में एक भरोसा खरीदते हैं टाटा का, ट्रस्ट खरीदते हैं टाटा का। तो इसकी मैं इस क्लब हाउस में कुछ और चीज़ें वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। मैं टाटा लाविडा का जो क्लब हाउस है उसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर इंडोर गेम्स के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ। ये आप देखिए, यहाँ पर टीटी के लिए है, टेबल टेनिस खेल सकते हैं आप यहाँ पे। ये आप कैरम खेल सकते हैं। और अगर आप बालकनी में बैठना चाहते हैं क्लब हाउस की, तो बालकनी में बैठने के लिए ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, आप इसे देख सकते हैं। मेरे साथ बाहर आना चाहें तो बाहर आ सकते हैं। आपका बालकनी में क्लब हाउस में बैठने का मन हो तो आप ये बाहर आके बैठ सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं अंदर। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर योगा हॉल है। आज की लाइफ बहुत स्ट्रेस भरी हो गई है, बहुत स्ट्रेस हो गया लाइफ में। लोग योगा मेडिटेशन से अपना स्ट्रेस दूर करते हैं। तो मेरे पीछे आप जो स्पेस देख रहे हैं ये योगा हॉल है। यहाँ पर बैठ के आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं भी योगा मेडिटेशन करता हूँ। तो जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो मुझे ये स्पेस सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्पेस सुकून देता है, स्ट्रेस फ्री करता है आपको। आइए आगे देख चलता हूँ, मैं आगे दिखाता हूँ कुछ और ऑप्शन है। ये एक और कुछ इंडोर गेम्स है, आप देख सकते हैं। ये देखिए चेस के लिए एक जगह है, यहाँ पर चेस खेलना चाहें तो आप आगे आइए, आगे दिखाता हूँ। ये स्नूकर है, स्नूकर भी खेल सकते हैं आप यहाँ पे क्लब हाउस में। वॉशरूम नॉर्मल चीज़ है, वॉशरूम होनी चाहिए, वॉशरूम बनाया गया है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी आप चेस खेल सकते हैं। और ये कार्ड एरिया है, ये काफ़ी कूल लगा मुझे। एसी चल रहा है शायद इसलिए मुझे कूल लग रहा है, बट मुझे कूल लगा। टेबल और जो यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, ये कार्ड एरिया है, ये भी मुझे काफ़ी कूल लगा। तो अभी तक मुझे इनका क्लब हाउस ठीक लग रहा है। तक हम इस प्रोजेक्ट के स्विमिंग पूल को देख चुके हैं, इंडोर गेम्स का जो एरिया है उसको देख चुके हैं, जिनका जिम है उसको देख चुके हैं। अभी भी कुछ बचता है और वो मैं बताऊंगा क्या बचता है। आइए मेरे साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, ये बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया बनाया गया है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, छोटा है, खूबसूरत है, किड्स प्ले एरिया। आपके बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं और बच्चे भी दूसरे आते हैं उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बच्चों की दोस्ती हो सकती है, बच्चों के लिए मुझे लग रहा है फेवरेट जगह हो सकती है, क्योंकि जब दूसरे बच्चे आएंगे और आपके बच्चा यहाँ पर आपस में मिलेंगे, उनकी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, तो ये एरिया बच्चों को मुझे लगता है काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों आप कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं या कोई मूवी देखना चाहते हैं अपनी पसंद की, और आप वो थिएटर में बैठ के देखना चाहते हैं, बट आप थिएटर जाना नहीं चाहते, तो उसकी व्यवस्था, उसकी पूरी
सुविधा, उसका पूरा ध्यान टाटा लाविटा में रखा हुआ है। एक मिनी थिएटर बनाया हुआ है, कहने को मिनी थिएटर है लेकिन चेयर वगैरह देखें तो मिनी थिएटर जैसी चेयर है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये रिजर्व करके, बुक करके यहाँ पर आप मूवी का, कोई सीरीज का एंजॉय कर ले सकते हैं, उसका लुफ्त उठा सकते हैं। ये देखिए, मैं एक बार बैठ के भी देख लेता हूँ। रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी देखना चाहते हैं तो ये एक मिनी थिएटर जैसा कुछ बनाया हुआ है, उनके साथ बैठ के आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं। आपको कहीं थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, आपको PVR आईनॉक्स जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, आराम से बैठ के मूवी और वेब सीरीज का एंजॉय आनंद उठा सकते हैं। कूल जगह है, आपको मैं दिखा चुका हूँ अब तक क्या क्या था यहाँ पर, जो बेसिक चीजें होती हैं वो थी, बट कुल मिला के ठीक ठाक था। जितनी फैमिलीज यहाँ, करीब 650 फैमिली रहेंगी, 650 फैमिली के लिए 22,000 स्क्वायर फीट में ये क्लब हाउस है, ठीक ठाक क्लब हाउस है, रेडी टू मूव है, ऑप्शन बहुत कम है द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेडी टू मूव के, तो ये एक आप ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं आप इसमें, आपको पसंद आया तो आप जो है इसमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप हमारे ऑफिस में कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बाकी डिटेल हम आपके साथ व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे दोस्तों।